देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कल 2 तारीख को पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। और बड़ा गर्व हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने पुनः कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की उसके बाद में देश भर में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने नए सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करी। आज राजस्थान प्रदेश की इकाई के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान में प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने और राजस्थान में 1 करोड़ का लक्ष्य लिया गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने इसको 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया है। निश्चित ही आने वाले समय में पहला राजनीतिक दल होगा जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य होंगे, और हमारा जो लक्ष्य 1.25 करोड़ का, उसको भी हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, संगठन के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और एक ऐतिहासिक जो ऊंचाइयां हैं संगठन को देने का काम राजस्थान प्रदेश करेगा, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी रहेगी। आप सदस्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी के परिवार के सदस्य हैं लालसोट से विधायक, वो कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है छोटी मोटी बातें होती रहती, उनकी बात पर संज्ञान में लेकर निश्चित ही उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। सरकार काम कर रही है, सरकार के जो हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर निश्चित ही समय समय पर बातचीत होती है, कैबिनेट में भी बात होती है, और निश्चित ही अगर ऐसी कोई बात होगी तो उस पर समय पर निस्तारण कर लिया जाएगा। पूर्वी राजस्थान से कई नेता नाराज हैं, करोड़ी लाल मीणा भी नाराज हैं। ना, ऐसा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यक्रम था, सब लोग एक ही मंच पर थे, आज भी हम लोग एक ही मंच पर, आने वाले समय में रहेंगे। सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व हम सबके लिए मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। एक एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है भाई साहब, अभी तक जो है 70 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर भी अरेस्ट हैं, तो क्या लगता है कि ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस सरकार में आते ही ऐसे निर्णय किए हैं, जहाँ नकल माफिया हो चाहे पेपर माफिया हो, जितने भी माफिया पनपे हैं राजस्थान में, जिन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय थे, उन्होंने कहा था कि छोटी मछलियां पकड़ में आई है, बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, हमने बड़ी मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपराध किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, इस भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार में नहीं बच पाएगा, और निश्चित ही उन सब के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भर्ती कैंसिल होगी क्या? भर्ती के बारे में नीतिगत निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं, और निश्चित ही जो भी छात्र हित में फैसला होगा, राजस्थान की जनता के हित में फैसला होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। डोटासा जी ये कहते हैं कि 9 महीने में बीजेपी सरकार सर्कस बन गई। देखिए, मैं सोचता हूँ देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसको ना धरातल की जानकारी है ना कुछ पता है, जो वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी वही करती है। गुलामों की पार्टी कांग्रेस है, एक राज परिवार को खुश रखने के लिए, जिनको ना हिंदू धर्म का पता है ना हिंदुस्तान की संस्कृति का पता है। मैं सोचता हूँ असली जोकरों की सेना तो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने एक जोकर के पीछे अपने सबको जोकर बना लिया, सेना बना ली, ना उसको कुछ पता है, ना वस्तु स्थिति का पता है, लेकिन फिर भी अपनी निष्ठा दिखाने के लिए वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। और ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि उन्होंने तो ना हाईकमान को माना है, ना नेतृत्व को माना है, वो सब अपने आप में हाईकमान है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासा का बयान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, उनकी आदत रही है सुर्खियों में रहने की, वो ऐसा बयान देते रहते हैं। एक बुलडोजर को लेकर कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी कल सूरतगढ़ में आप ही की सरकार ने बुलडोजर चलाया। देखिए, अपराध के खिलाफ में सरकार की पूरी मंशा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जनता की मांग है, जनता की मांग के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। इससे सहमत हैं आप, इससे इत्तेफाक रखते हैं बुलडोजर चलना चाहिए? किरोड़ी बाबा हमारे पुराने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी हैं, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, निश्चित ही मना लिया जाएगा, हमारे परिवार के सदस्य। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इससे सहमत हैं आप कि किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित ही हमारे मानने नहीं मानने से प्रदेश की जनता जो है वो जो कहेगी हम लोग वो करेंगे, और जब भी कोई फैसला आता है उसका निरीक्षण भी होता है, परीक्षण होता है, उसके बाद में कहीं अगर वापस रिप्लाई करने की बारी आएगी तो रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए।